हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और घर पर बैठकर आसानी से जो हमारी पढ़ाई हुई जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनकी स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी और हम देख रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरिन। हमारी जो यूनिट थी वो थी हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो कि एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स की थी और ये चैप्टर नंबर जो है अपने पास वो है यहाँ पर 10। तो इसके लिए इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हम इसका जो परिचय है वो क्या है देखेंगे, हेलो एल्केन का परिचय, हेलो एरिन का परिचय। उसके बाद में हमने इसका देखा था, इसका जो क्लासिफिकेशन आता है वर्गीकरण आता है वो देखा था। उसके बाद में नामकरण जो है उसकी जो अपने पास मेथड्स हैं वो हमने सारे देख लिए थे, CX बंद की प्रकृति है वो देख ली थी। इसके बाद में आता है कि हेलो एल्केन हेलो एरिन जो अपने पास है उसके बनाने की विधियाँ क्या है। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है यहाँ पर बनाने की विधियाँ। इसके बनाने की विधियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मेशन या उसको अपन बोल सकते हैं विरचन की विधियाँ, विरचन की विधियाँ, विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाना, बनाने का मतलब हो गया कि अपने पास जो एल्काइल हैलाइड है RX जो है उसको हम अपने प्रयोगशाला जो है उसमें कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए अनेक मेथड्स दिए गए हैं, उसको आप केयरफुली ध्यान से समझेंगे, वन बाई वन हम उनको देखेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले है बनाने की विधि एल्किल हैलाइड जो है अपने पास उसको बनाने की विधि सबसे पहले है यहाँ पर एल्केन से, एल्केन से, इस एल्केन से हमें हेलो एल्केन बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, एल्केन जो है अपने पास जैसे कम से कम कार्बन का एल्केन है अपने पास CH4, इसको अपन बोलते हैं मीथेन। तो ये मीथेन जो है इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर क्लोरीन के साथ करते हैं और साथ में अपन यहाँ पर लिखते हैं सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम ये रिएक्शन जो है वो करते हैं। तो इज इक्वल टू यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो अपने पास प्राप्त हो जाता है हेलो एल्केन। तो ये रिएक्शन कैसे होती है इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इसकी मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है वो हम यहाँ पर अभी देखते हैं, क्रियाविधि, क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि CH4 जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो विखंडन है वो समांश विखंडन होता है। जब समांश विखंडन होता है तो ये रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी संपन्न हो जाती है। समांश विखंडन से कैसे होता है कि जैसे अपने पास CH4 है तो CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH4 और H, ठीक है, CH4 और H, ये आ गया पॉइंट नंबर 1। समांश विखंडन आपने 11th क्लास में सीखा था इस प्रकार से कि एक बॉन्ड जो होता है वो दो बराबर बराबर भागों में टूट जाता है जिसमें से दोनों में बराबर बराबर दो बॉन्ड का अधिकार होता है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं आता है। ये आपने 11th क्लास में सीखा था समांश विखंडन होमोलाइटिक फिशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हाफ एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आधा जो अपने पास तीर है उसके द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये इधर टूटा है तो यहाँ पर आ जाता है अपने पास CH3, इस पर आ गया डॉट प्लस H, इस पर आ गया डॉट, ठीक है। तो ये एक फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बन जाता है, ये एक मुक्त मूलक जो स्पीसीज है वो बन जाती है, मुक्त मूलक स्पीसीज, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अपने पास दूसरी चीज़ है क्लोरीन। तो क्लोरीन को हम ऐसे लेते हैं Cl2 जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ClCl, ये अपने पास आ गई क्लोरीन। क्लोरीन को भी हम क्या करते हैं इसी प्रकार से मुक्त मूलक में तोड़ देते हैं, इस प्रकार से ये मुक्त मूलक में हमने इसको तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ा है तो अपने पास आगे Cl2, Cl प्लस Cl दोनों पर फ्री रेडिकल, यानी क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा नंबर 3rd पॉइंट कि यहाँ पर एक तो CH3 है तो ये CH3 ले लीजिए जिसके ऊपर मुक्त मूलक है, प्लस एक यहाँ पर Cl है, Cl इस पर एक फ्री रेडिकल ले लीजिए इस प्रकार से CH3Cl। अब फ्री रेडिकल यानी बन गया है तो उस फ्री रेडिकल से अपन क्या कर सकते हैं, नया बॉन्ड भी बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से ये बॉन्ड जो होता है वो समांश विखंडन के द्वारा इस प्रकार से टूटता है तो इससे अपने पास क्या बनते हैं, दो डॉट बनते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब हो गया है यहाँ पर मुक्त मूलक, मुक्त मूलक जो है वो यहाँ से बन जाता है। तो ये मुक्त मूलक यहाँ से बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो मुक्त मूलक होता है इस मुक्त मूलक को जोड़ भी सकते हैं, जैसे दो मुक्त मूलक हैं उनको जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ये आधा इधर से आता है तो ये एक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो बॉन्ड जब टूटा है मुक्त मूलक में, मुक्त मूलक जो है वो बॉन्ड में वापस से बन सकता है, यानी कहने का तात्पर्य कि एक जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर का और एक इलेक्ट्रॉन इधर का, जिसमें आपने देखे थे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में एक दूसरे का साझा करते हैं जिससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो सहसंयोजक बंध का निर्माण इसमें दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं।
तो यहाँ से क्या होता है, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इधर से शिफ्ट हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से शिफ्ट हो रहा है, तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर से आधा इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इसमें क्या बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है CH3 और ये Cl बन जाता है CH3Cl। ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट हो गया CH3Cl एल्काइल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल की जगह हो गया मिथाइल यानी इसको बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, इंग्लिश में मिथाइल वैसे मेथिल, मेथिल क्लोराइड, यह हो गया मेथिल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड। नंबर चार जो अपने पास है वो क्या आ जाएगा पॉइंट की, इसका H प्लस मुक्त, H डॉट मुक्त मूलक है, H के ऊपर इस पर डॉट है, ये H मुक्त मूलक आ गया और इसमें एक Cl हमने काम में ले लिया, एक Cl और है अपने पास, तो एक Cl और है अपने पास, ये आ गया, इसके ऊपर भी एक डॉट है, तो इसका ये वाला जो H है वो इधर से आया, ये H Cl का जो डॉट है वो इधर से आया, तो दोनों जो डॉट है वापस से मिलते हैं, तो यहाँ बन जाता है HCl। तो अपने पास दो प्रोडक्ट आ गए, एक तो ये प्रोडक्ट आ गया और एक ये प्रोडक्ट आ गया। तो मैंने जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पर ये वाला, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मार्क जो लगाया था इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3Cl मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट आ सकता है। तो ये तो हो गया एक सिंपली मेथड कि एल्केन जो है उससे हम CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड जो है वो बना सकते हैं, यानी जितने कार्बनों का होगा उसी प्रकार से। इसके बाद में इसके आगे की प्रोसीजर भी बन सकती है, आगे के प्रोसीजर में क्या हो सकता है, अभी हम अपने सीखा है, इसके बाद में आगे की प्रोसीजर जो है वो हम इसमें और देख सकते हैं, जिसमें क्या हो गया, जैसे मैं नोट में बता देता हूँ आपको, नोट नोट में क्या हो जाएगा कि अपने पास जो ये CH3Cl है, ये CH3 और ये Cl है, तो इसमें से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और एक लिख सकते हैं इसमें H CH2H इस प्रकार से, तो CH3Cl हो गया ही। ठीक है, इसको अपन दोबारा तोड़ते हैं फ्री रेडिकल्स में, तो यहाँ से आपको आपने देखा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो दोबारा से इसी प्रकार से समान से विखंडन के द्वारा टूट सकता है, एक H इधर गया और इसका CH2 वाला जो बॉन्ड है वो इधर गया, तो यहाँ से दोबारा क्या बन सकता है, इसमें H आ सकता है डॉट प्लस यहाँ पर आ गया CH2Cl डॉट। ठीक है, अब ये आ गया, और भी इसमें जैसे क्लोरीन बहुत सारे हैं, तो ये Cl ले लिया, Cl2 हो सकते हैं, आगे से आगे रिएक्शन हो सकती है, यदि क्लोरीन ज़्यादा है तो मतलब समझ गए क्लोरीन की संख्या ज़्यादा है तो हम इसे रिएक्शन और करवा सकते हैं, तो इसे Cl प्लस Cl आ सकता है दोनों पर डॉट। अब ऐसा आता है तो यहाँ पर देखिए इसका जो CH2 है, यानी एक तो यहाँ से आ गया Cl डॉट प्लस एक CH2Cl अपने पास है CH2Cl, ये आ गया CH2Cl, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर भी ये फ्री रेडिकल है, ये इधर से बॉन्ड ये इधर से, तो यहाँ से इसमें जुड़ गया, तो ये आ गया Cl CH2 और Cl, ये आ गया अपने पास सेकेंडरी प्रोडक्ट, और बाकी क्या बच गया, एक H दोबारा आ गया, यानी ये H दोबारा आ गया, तो H की रिएक्शन दोबारा करके दिखा सकते हैं, H ठीक है प्लस Cl, तो यहाँ से डॉट और डॉट ये इधर से आ गया इस प्रकार से, तो यहाँ से बन सकता है अपने पास HCl। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है CH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl, यदि फर्स्ट रिएक्शन होती है तो इसके बाद में हम इसकी सेकेंड रिएक्शन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये CH3Cl जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ से अपने पास दोबारा से रिएक्शन, ये जो इसका प्रोडक्ट आया है ये दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करें, तो यहाँ से बन सकता है CH2Cl2 प्लस HCl। CH2Cl2 कहाँ है, ये रहा CH2Cl2 प्लस HCl, ये दोबारा इसमें से ये जाके प्रोडक्ट बन सकता है, जिसमें डाइक्लोरोमेथेन, दो क्लोरो है तो डाइक्लोरो, CH2 है तो मेथेन, डाइक्लोरोमेथेन बन सकता है। इसी रिएक्शन को यदि मैं और आगे बढ़ाता हूँ, CH2Cl2 ये आ गया अपने पास CH2Cl2 प्लस CH2Cl2 प्लस Cl2, दोबारा से क्लोरीन और ले लेते हैं, क्लोरीन और ले लेते हैं अपने पास, यदि क्लोरीन और ले लेते हैं तो CH2Cl2 इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से देखो प्रोडक्ट क्या है CH2Cl2 प्लस क्लोरीन, तो मैं इसकी रिएक्शन और आगे दिखा देता हूँ, आगे कैसे आएगी, इसी प्रकार से जिसमें हमने क्या किया है, नंबर ये 3 वाला पॉइंट देख रहे हैं अपन, CH2Cl2 तो ये आ गया H, ये आ गया C और H और Cl2 CH2Cl2, इसको यदि अपन आयंस होमोलाइटिक फिशन समान से विखंडन करते हैं तो यहाँ से दोबारा से ये आता है H पर डॉट प्लस CH Cl2 इस पर भी डॉट, और क्लोरीन हमने फिर से लिया है यहाँ से तो Cl प्लस Cl और Cl के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से फिर आ गया Cl डॉट प्लस Cl डॉट दोबारा आ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसका CH2Cl2 इसके Cl के साथ रिएक्शन करेगा, तो Cl डॉट प्लस CH Cl2 इज इक्वल टू,
तो यहाँ से ये हाफ इधर से और हाफ इधर से, तो यहाँ से फिर से बन जाता है सी एच, यहाँ से अपने पास है सी एच सी एल टू, ये अपने पास रिएक्शन थी ये वाली, तो सी एच सी एल टू के ऊपर ये और जुड़ता है तो यहाँ बन जाता है सी एल, फिर ये सी एच और सी एल दो अपने पास, सी एल और सी एल, यानी सी एच सी एल थ्री। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सी एच सी एल थ्री, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ये बन जाता है यहाँ से क्लोरोफॉर्म, ठीक है क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाती है सी इस प्रकार से इसके अंदर। अब बाकी जो अपने पास बचा हुआ क्या है, यहाँ पर एक एच बच गया, एक सी एल एक्स्ट्रा बच गया, जो अभी मैंने सारी रिएक्शंस बताई उसी के अंदर, एक एच बच गया एच डॉट प्लस सी एल बच गया सी एल डॉट एच सी एल, तो इसका एच इसके सी एल से रिएक्शन करता है तो दोबारा सी होता है एच सी एल, यहाँ आ जाता है एच सी एल, तो इसका प्रोडक्ट नंबर सेकेंड, फर्स्ट प्रोडक्ट ये और सेकेंड ये, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एच सी एल। ये रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर पहले चार थे, चार से फिर कितने हुए, अभी मैंने बताया आपको तीन हाइड्रोजन बचे, तीन से अभी हाइड्रोजन कितने बचे, दो, दो बच गए, अब इसमें कितना बच गया है एक, एक हाइड्रोजन बच गया है, तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है दोबारा से हो सकती है, नंबर कितने पॉइंट है, पॉइंट नंबर चार, चार नंबर पॉइंट में क्या हो गया सी एच सी एल थ्री दोबारा से इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, सी एच सी एल थ्री प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे इस प्रकार से, तो सी एच सी एल थ्री यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, इसी में देख लेते हैं दोबारा से, इसी के अंदर यदि इसका प्रोडक्ट देखें तो ये भी वेरी सिंपल प्रोडक्ट है, ये सी एच सी एल थ्री को तोड़ लीजिए, एच जब तक है तब तक ये रिएक्शन जो है वो टूटती रहेगी, मेरा कहने का मतलब ये है सी एच सी एल थ्री, ठीक है, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, कार्बन ट्राई क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसमें ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर हाफ हाफ एच डॉट प्लस सी सी एल थ्री डॉट, ठीक है। और दूसरी बात, अपने पास सी एल टू है तो क्लोरीन सी एल और सी एल इज इक्वल टू आधा इधर और आधा इधर, तो यहाँ से बन गया सी एल प्लस सी एल डॉट डॉट। इसके बाद में वही प्रोसीजर है सी सी एल थ्री सी सी एल थ्री, इस पर डॉट है प्लस इसके ऊपर एक सी एल है वो रिएक्शन कर रहा है सी एल इस प्रकार से, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से कि ये वाला जो हाफ इधर से आया और हाफ इधर से आया, तो आधा इधर से आया, तो यहाँ पर अपने पास क्या बन गया सी सी एल फोर, ये लास्ट आ गया अपने पास सी सी एल फोर, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और लास्ट रिएक्शन ये ख़त्म हो जाती है सी सी एल फोर पर, यहाँ लिख सकते हैं हम सी सी एल फोर प्लस, यहाँ पर अब एच है और एक सी एल है, तो यहाँ से ये आ गया एक एच जिस पर डॉट है प्लस सी एल इस पर भी डॉट है, ठीक है। तो एच और सी एल ये यहाँ से बन गया एच सी एल, यहाँ आ जाएगा अपने पास एच सी एल, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट आ गया अपने पास एच सी एल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लास्ट तक रिएक्शन चलती रहती है, एक मेथेन जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सी एच सी एल सी एच थ्री सी एल, उसके बाद में बनता है यहाँ पर सी एच थ्री सी एल से बनता है सी एच टू सी एल टू, सी एच टू सी एल टू दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सी एच सी एल थ्री, सी एच सी एल थ्री दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है सी सी एल फोर। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो होती है वो किस प्रकार से होमोलाइटिक फिशन यानी समान से विखंडन के द्वारा आसानी से आगे चलती रहती है। यदि आप इसमें कार्बन संख्या चेंज करते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन ऐसी थी इसके अंदर आपने कार्बन संख्या चेंज कर दी सी एच थ्री और सी एच थ्री कर दिया, तो भी आप इसका प्रोडक्ट इसी प्रकार से बना सकते हैं। ये ऐसा किया है तो इसके साथ में यहाँ पर जैसे इसका प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है सी एच थ्री सी एच टू सी एल, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, इसका एक एच इसके सी एल से रिएक्शन करेगा तो सी एच थ्री सी एच टू सी एल एथिल क्लोराइड प्लस एच सी एल। तो ये सनलाइट में होती है, सनलाइट का मतलब हो गया कि अपने को ये जो रिएक्शन करवानी है इसको क्या करना है ओपन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवानी है। यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से रिएक्शन हो जाती है तो ये होती है होमोलाइटिक फिशन समान से विखंडन। आपको दोबारा समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि विखंडन जो है वो दो प्रकार का है, फिर से आप गलती नहीं करेंगे, एग्जाम पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विखंडन, जिसमें दो प्रकार का विखंडन है, जिसमें एक तो होता है समांश विखंडन, समांश विखंडन, एक होता है यहाँ पर विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन, समांश और विषमांश दो हैं ये। समांश विखंडन जिसको बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन, फिशन का मतलब होता है विखंडन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि एक बॉन्ड जो होता है वो दो बराबर भागों में टूट जाता है इस प्रकार से, दो बराबर भाग आधा इधर से गया और आधा इधर से गया, एक बॉन्ड यदि दो बराबर भागों में टूटता है तो इसमें एक पर डॉट आता है दूसरे पर भी डॉट आता है। ये जो बनता है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक, मुक्त मूलक ये बोलते हैं,
और दूसरे वाला जो होता है होमोलाइटिक के बाद में दूसरे वाला जो विखंडन होता है उसको बोलते हैं विषमांश विखंडन। कौन सा? विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन जो होता है उसको बोलते हैं हीट्रोलाइटिक फिशन, हीट्रोलाइटिक फिशन। जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो हिंदी के वर्ड्स जो है उसको याद रखिए, विषमांश विखंडन। और किसी को हिंदी के वर्ड याद नहीं होते वो इंग्लिश के वर्ड याद रखिए, क्योंकि साइंस के अंदर जो है दोनों वर्ड्स जो है वो उपयोगी होते हैं। जितना याद हो सके उतने याद करने की इसमें कोशिश कीजिए, तो आगे आपके कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो विषमांश विखंडन हीट्रोलाइटिक फिशन, जैसे कि ये कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो उसकी तरह नहीं होता, दोनों साइड नहीं होता है, ये बॉन्ड जो होता है वो शिफ्ट होता है सिर्फ एक तरफ, जैसे कि ये इधर हो सकता है। तो ये जो है इसको तो बोलते हैं हाफ एरो, आधा तीर, यानी इस प्रकार से ये शिफ्ट हुआ है, इस प्रकार से ऐसे करके इस प्रकार से, तो इसको तो बोलते हैं हाफ एरो आधा तीर। और ये होता है इसको बोलते हैं पूरा तीर, इस प्रकार से पूरा तीर। तो ये इधर शिफ्ट हुआ तो जहाँ पर इसकी नोक आती है उस पर तो बोलते हैं माइनस का चार्ज, और जो इसका टेल भाग है उस पर आता है प्लस का चार्ज। तो इससे क्या होता है कि कोई भी स्पीसीज है वो बनेगी एक तो माइनस की और एक बनेगी यहाँ पर प्लस की। तो इससे जो ये बना है ये होता है एनाइन्स और केटाइन। ये जो होता है ये बनता है यहाँ पर रिनाइन, रिनाइन। जैसे कार्बन के ऊपर रिनाइन आया इसको बोलते हैं कार्ब रिनाइन, कार्बन के ऊपर रिनाइन कार्ब रिनाइन। और ये धनाइन आया तो इसको बोलते हैं कार्ब धनाइन, कार्ब धनाइन। तो एक पर तो कार्बन के ऊपर रिनाइन आता है और एक कार्बन के ऊपर धनाइन आता है, तो कार्ब रिनाइन और कार्ब धनाइन जो स्पीसीज है वो बनती है, जिसको बोलते हैं हीट्रोलाइटिक फिशन। पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है। तो अपने अपना जो है ये नॉट सनलाइट, ये सनलाइट में नहीं होगी, ये किसी कैटलिस्ट है या जो उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, सामान्य अपने आप हो सकती है। जबकि ये रिएक्शन जो हो रही है समांश विखंडन वाली सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिससे क्या होता है इस प्रकार के प्रोडक्ट जो बनते हैं। जैसे ये आ गया, इसके बाद में ये दोबारा से एक एच है उसके सी एल से रिएक्शन करेगा, तो ये सी एच थ्री सी एच सी एल टू हो जाएगा, फिर इसके बाद में सी एच थ्री, फिर ये आगे जाके सी एच थ्री सी सी एल थ्री में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे ये विखंडन चलता रहता है। जब अपने को पता चल गया कि भी अपने को यहाँ तक रिएक्शन करवानी है, तब जो है वो रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं और अभिक्रिया पत्र से उसको अलग कर लेते हैं, प्रोडक्ट जो है हमें प्राप्त हो जाता है। तो अभी आपने सीखा है बनाने की विधि में नंबर वन विधि, जिसका मैंने अभी आपको बताया एल्केन से, एल्केन से यानी आर और आर, आर आर से एल्केन से हम क्या बना सकते हैं एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एल्किल हैलाइड बनाने की जो प्रोसीजर है पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। तो कल हम इसके आगे की जो रिएक्शन है वो देखेंगे, जिसके अंतर्गत इसकी और भी रिएक्शंस हैं, जिस रिएक्शंस के अंतर्गत अपन इसकी एल्किन से भी देखेंगे, एल्किन से हम जो एल्किल हैलाइड वो कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा एल्कोहल है उसे हम एल्किल हैलाइड जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नए अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे, जय श्री श्याम, राधे।